इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा साइंस के बारे में तो यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड तो अगर आप डेटा से रिलेटेड किसी भी फील्ड में इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि डेटा साइंस बिग डेटा डेटा इंजीनियरिंग डेटा एनालिटिक्स बिजनेस इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये तीनों टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में नॉलेज रखना तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर डेटा के बारे में तो स्ट्रक्चर डेटा ऐसा डेटा होता है जिसको एक टैबुलर फॉर्म होता है मतलब वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है स्ट्रक्चर डेटा की खासियत ये होती है कि उसको आप बहुत आसानी से क्वेरी कर पाते हैं और उससे जो भी इंसाइट्स है वो बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर डेटा के एग्जांपल है जैसे कि रिलेशनल डेटा एक्सेल शीट्स, स्प्रेडशीट्स ये सब स्ट्रक्चर डेटा के ही एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट सेमी स्ट्रक्चर डेटा सेमी स्ट्रक्चर डेटा ऐसा डेटा होता है जो स्ट्रक्चर्ड जैसे पूरी तरह फॉर्मेटेड भी नहीं होता और साथ ही साथ अनस्ट्रक्चर्ड जैसे रॉ भी नहीं होता तो हमारे पास दो फाइल्स है डॉट जेसोन एंड डॉट दोनों फाइल्स इनको में कंसिडर किया जाता है तो जेसॉन जिसमें की वैल्यू हैं जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स का फॉर्म है तो कोई भी फाइल अगर आपको डॉट जेसॉन या डॉट एक्सएमएल में दिखेगी तो वो एक सेमी स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल है।, तो है ऐसा डेटा जो स्टेबल फॉर्म में नहीं है और साथ ही साथ एक्सएमएल और जेसॉन नहीं है वो सभी कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि रॉ टेक्स्ट फाइल कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया कोई ईमेल ओपन कर लिया कोई बुक को ओपन कर लिया ये सब जो रॉ टेक्स्ट है ये है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल साथ ही साथ इमेजेस ऑडियो वीडियो ये सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ही आता है एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको कोई एल मॉडल विकीपीडिया पर ट्रेन करना है तो विकीपीडिया पर पूरा रॉ टेक्स्ट है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल है अनस्ट्रक्चर डेटा को क्वेरी करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपको क्वेरी करना ही है तो उसको पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी होती है तभी जाकर आप उसको प्रोसेस कर पाते हैं तो ये थे थ्री टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक like जरूर कर देना और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं आई इन द नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग